वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज है हमारी 23 अक्टूबर और आज है दशहरे का दिन। आज है 24 अक्टूबर। थोड़ा सा डेट में मेरे को ना कन्फ्यूजन हो जाता है। आज हमारा प्लान है शाम को रावण देखने जाने का। मेले का कोई प्लान नहीं है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ना भीड़ होती है इस टाइम पे झूलों पे, तो फिर कनव के लिए थोड़ा सा एक मुश्किल हो जाएगा ना झूलों पे चढ़ना ये वो। तो मेले में उसको कभी और लेकर जाएंगे, बट आज हम जाएंगे दशहरा देखने। और आज थोड़ा सा डिनर का भी प्लान बन रहा है फैमिली के साथ, बाकी देखते हैं क्या होता है शाम तक। हम कर लेते हैं फटाफट से ब्रेकफास्ट क्योंकि 12:45 हो चुके हैं और बहुत लेट हो चुका है। तो चलते हैं, आज हम बना रहे हैं उत्पम। उत्पम कहते हैं, उत्पम ही कहते हैं। हाँ, रेडी हो गया है मेरा उत्पम। और आज ये थोड़ा सा अच्छा सा नहीं बना, पता नहीं क्यों क्या गड़बड़ कर दी मैंने। कुछ ना कुछ तो मैंने इसमें गड़बड़ करी है आज, बट कोई बात नहीं, टेस्ट वाइज तो अच्छा ही होगा उत्पम। टेस्ट वाइज तो एकदम बढ़िया बना है, मतलब वही टेस्ट आ रहा है। बट जो मेरी मम्मी बनाती है ना भाई, वो तो एकदम बेस्ट होते हैं क्योंकि वो एकदम परफेक्ट शेप में बनता है और परफेक्ट होती है सारी चीज़ें। वो बढ़िया है, मज़ा आ गया, टेस्टी बनाई है अभी। फाइनली सो के उठ गया है। छुट्टियाँ होती है तो आराम से 12:30-1 बजे तक सोते हैं आराम से। क्या आराम से उठो यार, मज़ा आता है। कल तो स्कूल जाना है। जे आज कहाँ जा रहे हैं हम? दशहरा देखने। पर आज आप झूले नहीं झूलोगे क्योंकि दशहरा के दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, इसलिए पापा ने बोला बाद में चलेंगे। अभी वीडियो एड नहीं करूँगी तो चिल्लाएगा। ज़्यादातर फेस्टिव सीजन, मतलब फेस्टिव का जब दिन होता है तो हम चारों साथ में होते हैं घर पे, छुट्टी होती है क्योंकि। पर आज मम्मी घर पे नहीं है, दशहरा का दिन है तो आज मम्मी की फ्रेंड का बर्थडे है तो उनको वहाँ पे जाना पड़ गया। मुझे पता था कि उनको भी थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था जाने में कि यार आज फेस्टिव सीज़न है तो इस वजह से, बट मैंने कहा आप जाओ, अच्छी बात है, आपको जाना चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्स भी होता है बंदा अपने दोस्तों के साथ जाता है। सब खाली खाली सा लग रहा है क्योंकि पता नहीं लग रहा है। अब वो होपफुली वो कह रही है 6 बजे तक वो आ जाएंगी, पर डिपेंड करता है मेट्रो की स्पीड पे और सारी चीज़ों पर कि क्या होता है। वैसे तो आ ही जाएंगी टाइम से। बट तो भाई अब हम देख रहे हैं बिग बॉस, और इस बार का बिग बॉस इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं आ रहा है क्योंकि ना कोई टास्क हो रहा है ना कुछ हो रहा है। और अनुराग यानी UK07 राइडर को बहुत बुरी तरह झाड़ पड़ी है बिग बॉस से, बहुत बुरी तरह। तो हमारी जो पीछे वाली गली है ना, वहाँ पर बिल्कुल ना रोड ना खुद गई है। और इतना दिन हो गया, 4-5 दिन हो गए, रोड बनी हुई नहीं है। मेरे को तो डर लग रहा है दिवाली कैसे बनाएंगे पीछे जो लोग रहते हैं। आपको दिखाया कि नीचे पीछे रोड टूट गई है और इस टाइम पे टूटी है, मतलब हद हो गई। इस वक्त दिवाली आने वाला है, फेस्टिव सीजन होने वाला है और मुझे नहीं पता ये रोड तक बन पाएगी नहीं बन पाएगी क्योंकि तब से काम ऐसे का ऐसे ही पड़ा हुआ है। आज ही लगे लोग पत्थर वत्थर हटा रहे हैं, बराबर कर रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या हो रहा है कि ये रोड इनकी बने ना बने, क्योंकि हमारे तो सामने वाली रोड है। मेरे को ये भी डर है कि वो वाली सामने वाली रोड ना टूट जाए ठीक करने के चक्कर में, और फिर दिवाली कहाँ मनाएंगे लोग, पटाखे कहाँ फोड़ेंगे। पटाखे फोड़ते फोड़ते बंदा पत्थर पे आके गिर गया तो क्या होता है। वो अभी बज रहे हैं 4:30 पहले तो जल्दी रावण फूट जाता था, पर अब तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है राम जी को रावण को मारने में, क्योंकि जो लोग हैं मतलब काफ़ी देरी में शुरू करते हैं रामलीला वगैरह। तो अभी 2 घंटे हैं अपने पास और अभी मैं बस वेट कर रही हूँ मम्मी का, मम्मी आने वाली होगी आएगा थोड़ी देर में। और तो यहाँ अब बन रही है हमारी शाम की चाय, बिना चाय पिए तो हम बाहर जाते ही नहीं हैं। अरे फाइनली अभी 6:30 हो गए और हम जा रहे हैं अब रावण जलता हुआ देखने, एंड कन्नू भी एकदम रेडी हो चुका है तो फटाफट चलते हैं। ये बाल बाल बना के हीरो बन के, बट हम झूले नहीं झूल रहे पता है ना, झूले झूलेंगे उम्र तुम्हारी है। कोई नहीं, हम रावण देख के आएंगे, ठीक है चलो चलो। काफ़ी टाइम हो चुका है, फटाफट से चलते हैं हम। तो हम आ गए हैं रावण देखने के लिए। यहाँ पे ये एक लेडी है जिन्होंने डेविल का हेयर बैंड लगाया हुआ है, पता नहीं क्या रीज़न है इसको पहनने का। तो अभी यहाँ पे इतना गलत सीन निकला, ये जो यहाँ पे लड़के खड़े हुए ना ये पटाखे चला रहे थे, इन्होंने आलू बम को जला के ना पीछे फेंक दिया। ये 3-4 बार ये कर चुके थे पर इधर आ नहीं रहा था वो बम। अब वो एकदम से वो बम बिल्कुल मेरे पास में आके गिरा और वो फटा,
इतना गुस्सा आ रहा है इन बेवकूफ़ों पे, मेरे पापा ने इतना गुस्सा किया इन पे, बहुत गुस्सा किया इनके पापा। भाई हमको अभी एक घंटा हो गया यहाँ पे खड़े हुए, और यहाँ पे इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो चुका है हद से ज़्यादा। मेरे पापा ने यहाँ पे पुलिस वालों से बात करी कि भाई बहुत ट्रैफिक होता जा रहा है, इनको बोलो कि ये रावण को फटाफट जलाएं। ये लोग पागल हो गए एकदम के पागल सारे भाई, मैं बोल भी नहीं सकता। साहब इतनी देर से पता के मतलब रावण जल नहीं रहा है, पापा ने दो बार गए भाई फिर जला, भाई पागल हो गए सब लोग, ये बिहार है भाई पता है भाई अलग ही। कब फूटेगा अगले साल पक्का, मैक्सिमम तो पक्का याद नहीं फूकेगा, याद नहीं फूकेगा साला कैसे आज नहीं फूटेगा। तो भाई फाइनली एक घंटे के बाद ये रावण दहन होते हुए हम देख पा रहे हैं फाइनली। मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि आज होगा, बट फाइनली अब ये होने वाला है। तो अब हम करा रहे हैं चाउमीन पैक, क्योंकि घर पे तो ऑब्वियसली कुछ बना है नहीं, तो फटाफट चाउमीन कराते हैं पैक और चलते हैं अपने घर। तब तक के लिए यहाँ पे खाली रोड पर मम्मी सीख रही है स्कूटी। हम आ गए घर, मैंने थोड़ी सी चाउमीन ले ली है और बहुत ही बढ़िया थी खाने में, मज़ा आ गया। ओके गाइस, तो अब हम करते हैं अपनी व्लॉग को एंड। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया, बहुत ही बढ़िया तरीके से कट गया, पर जो ये दशहरा वाला सीन हुआ था रावण के जलने का, इसमें बहुत दिमाग ख़राब हुआ क्योंकि हद मचा रही थी, ना रावण को जला रहे ना कुछ कर रहे, दिमाग और ख़राब हुआ। और पता है एक सीन हुआ मेरे साथ कि क्या हुआ कि हम वहाँ पे खड़े हुए थे पीछे, तो ये ना मतलब आलू बम और बिजली बम ना ऐसे उड़ा रहे थे हवा में, तो सामने उन लोगों ने आलू बम जलाया और पीछे फेंका। तो मैं वहीं पर खड़ी थी जहाँ पर वो आलू बम गिरा, वो एकदम मतलब इतने हाथ की डिस्टेंस पे मेरे इधर गिरा, और मैंने ऊपर से उसको देख लिया गिरते हुए, और मेरी मम्मी चिल्लाई कि उधर उधर फटाफट, मेरे पास टाइम ही नहीं था इधर होने का, मैं थोड़ा सा उधर वो फट गया मेरे सीधा कान पे बजा हो। और भाई मेरे पापा को बहुत गुस्सा आ गया, पापा चले गए वहाँ पे उन लड़कों के पास, साथ में एक आंटी भी खड़ी हुई थी, आंटी भी चिल्ला रही, उन्होंने देख लिया था कि मैं और मेरा भाई खड़े हुए, आंटी ने उन पर इतना चिल्लाया कि भाई क्या कर रहे हो, शर्म नहीं आती, बच्चे खड़े हुए हैं लग जाती। फिर पापा ने इतना गुस्सा किया उन लड़कों पर, उन्होंने बताया अरे हम वहाँ नहीं फेंकना चाहते थे, ऐसे हो गया वैसे हो गया ये वो, कोई बात नहीं कुछ नहीं कर सकते, अब हो गया जो सो होना था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में जो बहुत जल्दी आएगी, तब तक के लिए डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता, बाय।